एवरीबडी, वेलकम बैक टू माई क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। नाइन हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया और कुछ आर्क्यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ओके, ये सब आते हैं इसमें, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको जो नोट्स हैं वो भी मैं प्रिंट फॉर्म, मतलब प्रिंट फॉर्म इन द सेंस कि यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो उस तरीके से मैं आपको क्या करूँगी, नोट्स प्रोवाइड करूँगी। सो चलिए प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो होता है वो रियल में डीएनए रेप्लिकेशन है क्या। सो जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स में आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ कि प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से होते हैं। कल जो मैंने वीडियो अपलोड करा था उसके लिए वो आपको देखनी है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए, जिससे कि आप ये वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। और दूसरा, मैंने उसमें भी वन बाय वन कैसे सारे कंपोनेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कैसे एक्ट करते हैं, वो बहुत अच्छे से बताया था, तो आप वो वीडियो पहले ज़रूर देखें। नेक्स्ट है जो बैक्टीरिया होता है, जैसे कि ई कोलाई, क्योंकि आपको पता ही है ई कोलाई एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है। इसकी ऑलमोस्ट सभी सिक्वेंसिंग नोन है, तो ज़्यादातर जो प्रोकैरियोट्स में स्टडी होती हैं वो ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया पर होती हैं। तो ये वाला जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है ये भी किसके रेफरेंस में है, ई कोलाई के रेफरेंस में है। नेक्स्ट वीडियो में यूकैरियोट्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन मेन फोकस मेरा किस पे रहेगा, प्रोकैरियोट्स के रेप्लिकेशन पर ही रहेगा। ओके, सो जैसे कि बैक्टीरिया होगी ई कोलाई, उसमें कितनी देर लगती है, 40 मिनट्स लगती हैं रेप्लिकेशन, पूरा का पूरा जो रेप्लिकेशन या डिवीज़न साइकिल होता है रेप्लिकेशन का, किसका रेप्लिकेशन में क्या होता है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा है, ठीक है, उसका जो पूरा साइकिल होता है वो क्या होता है, 40 मिनट होता है। बट यूकैरियोट में कितना होता है, 1.4 आवर्स होता है। ईस्ट में कितना होता है, जो कि कल्चर हो जाती है 24 आवर्स में, ठीक है। ये वाला जो यूकैरियोट का रेफरेंस दिया है ये ईस्ट के लिए दिया है यहाँ पर, जो कि 1.4 आवर्स में हो रहा है। और कुछ अदर जो सेल्स होती हैं उनमें 100 से लेकर 200 आवर्स भी लग जाते हैं कभी कुछ सेल्स में, ठीक है। लेकिन नॉर्मली अगर बात करूँ, ईस्ट क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल का मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है, और प्रोकैरियोट सेल का कौन सा होता है, ईकोलाई। सो ईकोलाई में 40 मिनट लगता है, यूकैरियोटिक सेल्स में यानी कि ईस्ट में 1.4 आवर्स लग जाता है, बट कुछ सेल्स में 100 से 200 घंटे का टाइम भी ये हो सकता है। ये कब होता है, सेल डिवीज़न के टाइम पर होता है यूकैरियोट्स में, बट प्रोकैरियोट्स के टाइम पर कब होगा, उसमें भी सेल डिवीज़न के टाइम पर भी होगा, बट यूकैरियोट में इंटरफेज और एस फेज जो होता है उस टाइम पे जो सेल डिवीज़न होता है तब होता है। इसमें क्या होता है, डीएनए की बहुत सारी कॉपी यानी कि उनके डुप्लीकेट्स बनते हैं, ठीक है, जिससे उससे पहले की जो सेल हो वो डिवाइड हो, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रो दिया है कि डीएनए रेप्लिकेशन रियल में होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें बेसिकली 3 स्टेप प्रोसेस होता है। ये 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब क्या हो रहा है, कोई चीज़ शुरू हो रही है, तो इसमें क्या होगा, सारे एंजाइम प्रिपेयर होंगे, ठीक है, जो भी डीएनए के एक कॉपी से दूसरी दो कॉपी बनाने के लिए चाहिए होंगे वो वाले सारे एंजाइम होंगे। डीएनए के जो दो वाले स्ट्रैंड हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और आरएनए प्राइमर आके बाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आएगा इलोंगेशन, इलोंगेशन में क्या होगा, इलोंगेशन का मतलब होगा कुछ भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो जो आरएनए प्राइमर हुआ है उससे पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होगा और वो क्या करेगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, जिससे क्या होगा, एक न्यू स्ट्रैंड जो डॉटर स्ट्रैंड है वो फॉर्म होगा और टर्मिनल में यहाँ पे टर्मिनेशन आएगा, ठीक है। टर्मिनेशन में क्या होगा, जो टर्मिनेशन होगा, टर्मिनेशन में जो पूरा रेप्लिकेशन प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, यस, जो सभी डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो फॉर्म हो जाएंगे, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे अपना। नेक्स्ट प्रोसेस आता है इनिशिएशन, जिसके बारे में मैं डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, इनिशिएशन, लोंगेशन एंड टर्मिनेशन के बारे में। जो ई कोलाई बैक्टीरिया, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के रेफरेंस में ये वीडियो बनाया मैंने, तो अब मेरा मेन फोकस प्रोकैरियोट्स ही होगा यहाँ पर। सो जो ई कोलाई बैक्टीरिया, इसमें जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो इनिशिएट होता है कहाँ से, ओआरआईसी साइट, जिसको हम ओरी क्लोकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरी क्लोकस, टू विच डीएनए ए प्रोटीन बाइंड, जिसमें क्या होगा, डीएनए ए प्रोटीन बाइंड करेगा वाइल हाइड्रोलाइज ऑफ एटीपी टेक प्लेस, और उसी टाइम पे क्या हो जाएगा, एटीपी का हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ये जो डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी, ये क्या होते हैं, एक तरीके के हेलिकेज एंजाइम्स होते हैं,
इसके बाद क्या होगा, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो क्या होता है रियल में, अप्रोक्सीमेटली 245 बेस पेयर होते हैं उसमें, ओके और वो कैसा रीजन होता है, एडेनिन थाइमिन रिच, यानी कि उसमें एडेनिन का सीक्वेंस एंड थाइमिन का सीक्वेंस ज़्यादा होगा, मतलब ए टी ज़्यादा बेस पेयर होंगे वहाँ पर, ठीक है। एज द डीएनए ओपन सब, इसके बाद क्योंकि हेलिकेज एंजाइम गया है जो कि क्या है एक तरीके का डीएनए प्रोटीन, डीएनए बी प्रोटीन, वो सब वहाँ पे वर्क करेंगे, तो क्या होगा जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो ओपन हो जाएगा, किसमें, वाई शेप स्ट्रक्चर में, जिसे हम क्या कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। एंड दीज गेट एक्सटेंडेड बाई डायरेक्शनली, और ये क्या होगा दोनों ही डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, एज रेप्लीकेशन प्रोसीड, जैसे जैसे रेप्लीकेशन होगा, ये मैं आपको डायग्राम के हेल्प से भी अभी समझाऊंगी वाली बात। जो एस एस बी प्रोटीन होती है वो क्या करती है, कोट करती है द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डी एन ए, देखिए क्योंकि रेप्लीकेशन फॉर्क बनी थी, ये यहाँ पर मैंने जंगी बनाई है थोड़ी, ये देखिए ये डी एन ए है हमारा, अभी क्योंकि पहले कैसा था ये बंद था पूरा का पूरा, कैसा था ये देखिए, पहले ऐसे बंद था, यहाँ पर ए टी रिच रीजन है यानी कि एडेनिन और थाइमिन जुड़े हुए हैं, ओके तो इसको कौन ओपन करेगा, हेलिकेज एंजाइम यहाँ से आएगा, ठीक है, और वो उसको क्या नीड होगी, एटीपी की नीड होगी, और वो क्या करेगा, ये जो बेस पेयर हैं ए टी बेस पेयर हैं, ठीक है, कुछ जी सी भी होंगे यहाँ पर, ठीक है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और एटी के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो ये क्या करेगा, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड हैं ये किस टाइप के बॉन्ड हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इनको जो हेलिकेज एंजाइम है ये क्या करना शुरू करेगा, ब्रेक करना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे क्या होगा, ये जो डबल स्ट्रैंड है ये क्या होगा ऐसे ओपन हो जाएगा, ओके और ओपन होने के बाद अब ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं ये ओपन हो गए हैं, और डीएनए के स्ट्रैंड्स के ओपन होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, देखिए ये कैसी है, एक वाई शेप है, अगर मैं इसको घुमा दूँ तो ये ऐसी शेप बनेगी, तो ये जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है इसे ही हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। वापस से आते हैं, सो अभी हमें क्या मिल गई, एक रेप्लिकेशन फॉर्क मिल गई है, इससे क्या होगा, हाँ एक और चीज़, इससे क्या होगा, एक प्रोटीन बाइंड होगा जिसे हम एस एस बी प्रोटीन कहते हैं, ये दोनों साइड बाइंड हो जाएगा, एस एस बी प्रोटीन क्या करेगा, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं इन दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से दूर रखेगा, इन्हें मिलने नहीं देगा आपस में, क्योंकि वापस से दोबारा से बॉन्ड बना सकते हैं ना, तो इन बॉन्ड को तोड़ने के बाद इनको अलग करने के लिए किसकी नीड होगी, एस एस बी प्रोटीन की नीड होगी, ये मैं बहुत अच्छे समझा चुकी हूँ, जो मैंने आपको किसके बारे में बताया था, एंजाइम्स के बारे में बताया था। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, द प्राइमर्स यूज ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि जो प्राइमर्स यूज़ हो रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, क्या है प्राइमर वो भी मैं बताऊंगी, विच आर शॉर्ट आरएनए मॉलिक्यूल, जो क्या हैं छोटे छोटे आरएनए के मॉलिक्यूल होते हैं, ये मैंने जब आपको पहले ही बताया था एंजाइम्स के बारे में बताया, तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 15 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है ये, ओके यानी कि अप्रोक्स 15 न्यूक्लियोटाइड होते हैं इस आरएनए में, वो सिंथेसिस कैटलाइज बाय आरएनए पॉलीमरेज प्राइमेज, और इसका जो सिंथेसिस है किसका, जो आरएनए प्राइमर बनाया छोटे वाला इससे आकर के लगेगा, उसको जो एंजाइम कैटलाइज करेगा उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज प्राइमेज, और इसको शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, प्राइमेज एंजाइम, ओके। आफ्टर द बॉन्ड प्राइमेज सिंथेसाइज शॉर्ट प्राइमर आरएनए, जब ये छोटा सा आरएनए का प्राइमर सिंथेसाइज कर लेगा, द कॉम्प्लीमेंट्री टू बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डुप्लेक्स दे डिसोशिएट फ्रॉम सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट, ये बताती हूँ क्या कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, ये देखिए अब क्या होगा, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, अब क्या होगा यहाँ पर एक स्ट्रैंड में क्या होगा, आरएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब आरएनए का एक मॉलिक्यूल जो कि किसके प्राइमेज एंजाइम की हेल्प से आकर के लग जाएगा, और क्योंकि ये दो स्ट्रैंड हैं तो एक स्ट्रैंड में क्या लगेगा, सिर्फ एक आरएनए प्राइमर, ये ऑरेंज कलर से मैं आपको दिखा रही हूँ, और एक में क्या लगेंगे, बहुत सारे आरएनए प्राइमर आकर के लग जाएंगे, इसका रीज़न क्या है ये हम इलोंगेशन वाले स्टेप में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आरएनए प्राइमर लग गए हैं, और अभी जो इनिशिएशन का प्रोसेस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, यानी कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो शुरू हो चुका है, और अब क्या होना है, जो डीएनए का रेप्लिकेशन है उसको आगे बढ़ाना है, तो जो कि किसकी हेल्प से होगा, इलोंगेशन की हेल्प से होगा। सो आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट क्योंकि इस वीडियो में सोच रही हूँ पूरा रेप्लिकेशन का प्रोसेस ख़त्म कर दूँ, क्योंकि
डबल डबल बार बार वीडियो बनाने में सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है, आप इधर से उधर मूव करते हैं। तो यहाँ मैंने इस डायग्राम में दिखा रखा है, देखिए ये हेलिकेज ने सबसे पहले क्या किया है, डीएनए के स्ट्रैंड्स को अनवाइंड कर दिया है। यहाँ पर ये ऑरेंज कलर से आप देख पा रहे हैं आरएनए के जो प्राइमर्स हैं वो आकर के जुड़ गए हैं, दो सेगमेंट्स बने हैं डीएनए के। ओके ये देखिए, ये जो एक लीडिंग स्ट्रैंड बनता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड बनता है, जिसमें बहुत सारे आरएनए के प्राइमर्स लगते हैं वो क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड, और जिसमें सिर्फ एक लगता है उसमें क्या होता है, उसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। अब जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसे हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये हम अभी समझेंगे। तो आगे जाते हैं इलोंगेशन की तरफ। इलोंगेशन क्या कहता है, जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है वो ऐड करेगा किसको, न्यूक्लियोटाइड्स को, वन बाय वन ऑन द ग्रोइंग आरएनए चैन। कैसे, देखिए अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पर ब्लू कलर। तो जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम, थर्ड एंजाइम है, यहाँ पर आकर के बाइंड करेगा और वो क्या करता जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, यानी कि बेसिकली कहूँ तो मैं पूरा का पूरा जो शुगर का कॉम्बिनेशन है ना, और किसका कॉम्बिनेशन है, फॉस्फोरस का कॉम्बिनेशन, फॉस्फोरिक एसिड का कॉम्बिनेशन और बेस पेयर नाइट्रोजनस बेस का कॉम्बिनेशन है जो, वो क्या करेगा यहाँ पर ऐड करना शुरू करेगा इसके सामने वाले के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसे बहुत सारे जो हमारे आरएनए के मॉलिक्यूल ऐड हुए थे इनके बीच में भी ये क्या करेगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू करेगा। अब क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है इज एबल टू ऐड न्यूक्लियोटाइड, वो क्या करेगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए कैपेबल होगा, ओनली इन 5' टू 3' डायरेक्शन। ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्शन हमेशा याद रखनी है कि किस डायरेक्शन में वो ऐड करता है। तो ये होगा 5' से लेके 2' डायरेक्शन की तरफ ये ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड को। अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड कैन बी ओनली एक्सटेंड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, सिर्फ इसी डायरेक्शन में करेगा, 3' टू 5' डायरेक्शन में नहीं करेगा। इट रिक्वायर्स अ फ्री 3' OH ग्रुप, क्योंकि इसे किसकी नीड होती है, एक 3' OH ग्रुप की नीड होती है लोकेटेड ऑन द शुगर, ठीक है, जो कि किस पे होती है, शुगर के मॉलिक्यूल पे, राइबो शुगर जो डीएनए में होता है। ये आपको समझने के लिए बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा किसको, डीएनए की जो मैं पूरा प्रोसेस बता चुकी हूँ, किसका सॉरी स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ, उसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली यूनिट का, आप उसमें जा करके देख सकते हैं, और देख चुके हैं तो बहुत अच्छा है, आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो क्या होगा, अभी जो 3' OH ग्रुप है वो क्या, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, जिससे क्या हो सके, इट कैन ऐड द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, जिससे वो क्या कर सके, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सके, फॉर्मिंग अ फॉस्फोडाइस्टर बोन, और फॉस्फोडाइस्टर बोन साथ साथ बना सके बिटवीन द 3' OH एंड 5' फॉस्फेट टू द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। ये वाली चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से बताई थी जब मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी डीएनए की, कि कैसे ऐड करता है। नेक्स्ट है वन स्ट्रैंड जो होता है, यानी कि एक स्ट्रैंड विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू 3' टू 5', जो 3' टू 5' के कॉम्प्लीमेंट्री है, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज कॉन्टीन्यूअसली टुवार्ड द रेप्लीकेशन फॉर्म, वो कॉन्टीन्यूअसली सिंथेसाइज होगा रेप्लीकेशन फॉर्म के साइड में की तरफ, बिकॉज द पॉलीमरेज कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि जो पॉलीमरेज है वो इसी डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है। अब मैं इसको डायग्राम की हेल्प से थोड़ा बताती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बताया आपको बहुत सारे जो प्राइमर हैं आरएनए वो ऐड हुए हैं, ठीक है, और किस डायरेक्शन में की तरफ हो रहा है, ये ऐड हो रहा है न्यूक्लियोटाइड 5' टू 3' डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 5' टू 3' ऐड हो रहे हैं ना, तो यहाँ से इस साइड हो रहे हैं, और इस वाले से क्या होंगे, इस ये वाला, क्योंकि इस अगर यहाँ से 5' हो रहे हैं तो यहाँ से तो ऑलरेडी वाले स्ट्रैंड तो 5' 3' है, तो इसमें कैसे होगा, क्योंकि ये वाला स्ट्रैंड अब क्या हो गया है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री 3' टू 5' होगा, तो इसमें इधर की साइड से क्या होंगे, जो नाइट्रोजिनस बेस हैं या कंपोनेंट्स हैं वो ऐड होते रहेंगे। याद रखना दो स्ट्रैंड है ना ये, देखिए ये वाला क्या है, 5' टू 3' स्ट्रैंड होता है डीएनए का, ये 3' टू 5' स्ट्रैंड है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में जो बनेगा वो क्या होगा, 3' टू 5' ये हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, 5' टू 3' हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें इधर की साइड से होगा क्योंकि 5' टू 3' डायरेक्शन में हो रहा है,
ओके, और इसमें इस साइड होगा डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, दिस कॉन्टीन्यूसली सिंथेसाइज स्ट्रैंड इज नोन एज, ये मैं आपको बता चुकी हूँ लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है, लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है, कोजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं। अगर आपको नोट्स के लिए इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ूँगी। हाँ, एक और चीज़ जो मुझे ऐड करनी है, जो ओवरऑल डायरेक्शन होता है लैगिंग स्ट्रैंड का वो 3 prime to 5 prime होता है, एंड दैट ऑफ द लीडिंग स्ट्रैंड कितना होता है, लीडिंग स्ट्रैंड का 5 prime to 3 prime होता है। एक प्रोटीन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग क्लैम्प, क्या करता है, होल्ड करता है आरएनए पॉलीमरेज को इन द प्लेस एज इट कंटिन्यूज टू एड न्यूक्लियोटाइड। जिस टाइम पे वो क्या कर रहा होता है, न्यूक्लियोटाइड्स को कंटिन्यूटी के साथ ऐड कर रहा होता है, उसे क्या हम कहते हैं, जो आरएनए सॉरी डीएनए पॉलीमरेज को उस टाइम पे जो कैरी कर रहा है, होल्ड कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग क्लैम्प कहते हैं। नेक्स्ट है, जो स्लाइडिंग क्लैम्प होगा वो क्या करेगा, इस रिंग शेप्ड होता है वो, ठीक है, जो डीएनए को होल्ड रखता है, डीएनए और पॉलीमरेज को एक जगह पे होल्ड रखता है। एज सिंथेसिस प्रोसीड, यानी कि जैसे जैसे सिंथेसिस जो डीएनए का है वो प्रोसीड हो रहा है, जो आरएनए प्राइमर्स हैं वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, डीएनए पॉलीमरेज वन एंजाइम से रिप्लेस हो जाएंगे, विच ब्रेक डाउन द आरएनए, जो क्या करेगा, डीएनए का जो आरएनए का मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक करेगा और वहाँ पे क्या कर देगा, गैप को फिल कर देगा न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करके। कैसे, ये देखिए, मैं यहाँ से पहले ये रिमूव करती हूँ। ये देखिए, अभी यहाँ पर जो गैप रह गए हैं, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर एक गैप रह गया है, यहाँ पर एक गैप रह गया है, तो यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज का टाइम आएगा वो क्या करेगा, इसमें न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। बट क्योंकि जहाँ पर न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है, ठीक है, देखिए जो न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं बीच में, तो इसके बीच में जहाँ पर भी वो ऐड हुए हैं उनके बीच में क्या रह जाएगा, थोड़ा स्पेस रह जाएगा, क्योंकि जो पहले से डीएनए पॉलीमरेज थर्ड सिंथेसाइज करके गया है और जो न्यू सीक्वेंस सिंथेसाइज किए किसने, पॉलीमरेज फर्स्ट ने, तो इन दोनों के बीच में क्या रह गया है, अभी गैप रह गया है। इस गैप को कहाँ ठीक किया जाएगा, जो टर्मिनेशन का सीक्वेंस होगा उसमें ठीक किया जाएगा, यानी कि टर्मिनेशन के प्रोसेस में ठीक किया जाएगा। सो हम आ गए हैं टर्मिनेशन, बहुत थोड़ा सा ही वीडियो भी रह गया है। द निक दैट रिमेन बिटवीन द न्यूली सिंथेसाइज डी एन ए दैट रिप्लेस द आर एन ए प्राइमरी, जिसने क्या कि, यानी कि जो किसकी वजह से सिंथेसाइज हुई है, पॉलीमरेज फर्स्ट की वजह से सिंथेसाइज हुई है, तो आर एन ए पॉलीमरेज आर एन ए प्राइमर के रिप्लेस के बाद वो कहाँ पे, उसको कौन रिप्लेस करेगा या फिर उसको कौन सील करेगा, ठीक है, जो बीच की जगह रह गई उनको कौन सील करेगी, एंड द प्रीवियसली सिंथेसाइज डी एन ए आर सील्ड बाय एंजाइम डी एन ए लाइगेज, कौन करने वाला है उसको, एंजाइम डीएनए लाइगेज उसको सील कर देगा, दैट कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, जो क्या बनाएगा, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनाएगा बिटवीन 3 prime OH एंड ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड एंड 5 prime phosphate एंड ऑफ अदर फ्रेगमेंट, यानी कि जो शुगर का 3 prime OH है और जो शुगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच है जिसमें 5 prime phosphate होता है, उसमें क्या करना देगा, एक तरीके से लिंक बना देगा। वंस द क्रोमोसोम हैज़ बीन कम्प्लीटली रिप्लेस्ड, जब एक बार क्रोमोसोम पूरी तरीके से रिप्लेस हुआ है, जो टू स्ट्रैंड्स हैं डीएनए की, हम कह सकते हैं दो जो डॉटर स्ट्रैंड्स कॉपीज बनी हैं, वो क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में सेल डिवीजन के टाइम पे चली जाएंगी। प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीजन कैसे होता है, बाइनरी फ्यूजन से, जब एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया की फॉर्मेशन होती है। ओके, सो ये था हमारा छोटा सा डीएनए रेप्लिकेशन, आई होप कि आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपको पता ही है क्या करना है, आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है, बहुत कोशिश की है कि मैं बहुत ज़्यादा जर्नल वे में ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है आपको बता पाऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।